नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए शॉक मार्केट के डेली अपडेट्स लाता था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं आपके अपने स्टॉक्स के बारे में, जिसमें या फिर न्यूज आई है जिसके कारण वो शेयर ऊपर जा रहे हैं, या फिर ऐसी न्यूज आई है जिसके कारण वो शेयर्स नीचे जा रहे हैं। यानी दोनों पोजिशन देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इंडिया में आपको एफडी पे कितना परसेंटेज मिल जाता है, आप देखेंगे 6 से 7%। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो 7.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा एफडी पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इतना तो ये शेयर, यानी जिस शेयर की अभी मैं बात करने जा रहा, इतना तो वो सिर्फ डिविडेंड पेड करता है हर साल। और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी उसका कहीं कमाल का है। यानी कि अगर रिटर्न भी आपको मिलता है और साथ के साथ 7 से 7.5% तक का आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करते तो चलिए देख लेते हैं अपने शेयर के बारे में, वो डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर उस शेयर का डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे उसने अगर साल में 2 बार डिविडेंड पेड किया है हर साल। आप देखेंगे 2018 में 2 बार, 2019 में 2 बार, 2020 में 1 बार सिर्फ डिविडेंड पेड हुआ है। लेकिन आप देखेंगे पेड कब हुआ है, 25 मार्च को। 23 मार्च को मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद इस शेयर ने डिविडेंड पेड किया था। तो कमाल की बात है दोस्तों, जिस हिसाब से इसने डिविडेंड पेड किया है। हालांकि 2020 में आपको पता होगा कि पूरा का पूरा जब मार्केट क्रैश करा रहा था, हालत ख़राब थी, तो इसने एक बार फिर भी डिविडेंड पेड किया था। और 2021 का पहला डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और जैसे ही एक साल खत्म होते होते वो दूसरा डिविडेंड भी अनाउंस कर देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, डिविडेंड की अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो आप देखेंगे कमाल की परसेंटेज रही है। मिनिमम की बात करें तो आप देखेंगे 10%, अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप देखेंगे 67.5%। लेकिन अगर मैं कहूँ इस बार जो उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है वो 75% का है, यानी इससे भी कहीं ज़्यादा। तो कमाल की बात है दोस्तों, आप देख लेते हैं उसका और डिटेल। दोस्तों, कंपनी बोनस भी देती है, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बोनस नहीं दिया। आप देखेंगे 2018 में बोनस मिला था, 2016 में बोनस मिला था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको 2022 तक भी बोनस देखने को मिल जाएगा। 22 नहीं तो 23 तक तो आपको बोनस देखने को मिल सकता है। तो आप उस पर भी एक्सपेक्ट करके आप इस शेयर को खरीदारी कर सकते हैं। और शेयर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं बात कर रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आप देखेंगे 7.36% का, यानी कि जितना हमारे यहाँ एफडी रिटर्न देता है उससे कहीं ज़्यादा तो ये डिविडेंड पेड कर रहा है। तो दोस्तों, और डिटेल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर इस टाइम बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू का तो अभी डिटेल नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एफडी से बेटर रिटर्न भी है, डिविडेंड भी एफडी से बेटर है, यानी कि आपको डबल इनकम तो मिल ही रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो शेयर ओवरबॉट नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं अवेलेबल है, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये शेयर है। और इस टाइम यानी कि जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, अपकमिंग डिविडेंड। अगर इसका डिटेल देखें तो आप देखेंगे 7.5 पैसे का, यानी 10 रुपये का इनका फेस वैल्यू है, और उसी पे डिविडेंड मिलता है। तो आप देखेंगे 75% का आपको डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। एक्सडेट की बात करें तो 9 फरवरी का एक्सडेट है। तो दोस्तों, डिविडेंड लेना है तो खरीदारी स्टार्ट कर दीजिए इस शेयर में। तो मैं बात कर लूँ कुछ और डिटेल। इस टाइम ये शेयर क्लोज हुआ था 103.80 रुपये पर, लगभग 2% की तेज़ी आज के डेट में ये शेयर दिखा रहा था। अगर 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 71.15 रुपये, जो कि 52 वीक लो है 18 मई को बना था। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 118.35 रुपये, जो कि 10 फरवरी को बना था। और ये शेयर फिर से जा रहा है 52 वीक हाई बनाने, यानी 10 फरवरी 2020 को बना था, जब मार्केट करेक्ट हुआ था उससे भी पहले। और इस टाइम ये नया 52 वीक हाई बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 31.04% की डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वांटिटी 1,58,83,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी उठाई गई है इस शेयर में, 1 करोड़ से ज़्यादा। इमेजिन आप कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग बुलिश हैं। तो दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो इस टाइम ये शेयर आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छे अट्रैक्शन वैल्यू पे। अगर बात करें तो आप देखेंगे ओवरबॉट हुआ था, उसके बाद करेक्शन आया, और काफ़ी अच्छा करेक्शन आया, उसके बाद ये शेयर फिर से ओवरबॉट की जोन में भाग रहा है। यानी करेक्शन आने के बाद शेयर फिर से काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से शेयर पॉजिटिव ही चल रहा है, नेगेटिव नहीं गया, ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर बात करें टारगेट की, आपको कहाँ खरीदना चाहिए, तो अगर 100 रुपये पर मिल जाए नॉट बैड डील, क्योंकि दोस्तों डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलने वाला है, तो खरीदारी तो की जा सकती है। अगर 100 रुपये में मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर उसके नीचे यानी 95 के आसपास मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर टारगेट की बात करें, अगर सिर्फ आप डिविडेंड लेकर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है 112 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में जल्दी ही। तो इस टारगेट के लिए इस शेयर को प्ले किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्योंकि दोस्तों डिविडेंड तो हर साल आपको मिलना है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं
तो अब रख कर भूल जाइए, क्योंकि आपको डबल इनकम तो ऐसे भी होने वाला है। डिविडेंड हर साल आपको 7% से ज़्यादा का मिलने वाला है, और साथ के साथ अगर शेयर की ग्रोथ की बात करें तो वो भी 7% से ज़्यादा का होने वाला है, यानी आपको डबल इनकम 7 × 2 = 14% का आपको ऐसा ही रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों लेकिन हालांकि ये 7% वो फेस वैल्यू पर मिलता है, न कि उसके एक्चुअल प्राइस पे, यानी कि करंट प्राइस मार्केट प्राइस पे। वो आपको 7% आपको करंट मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता, वो फेस वैल्यू पे मिलता है। वो फेस वैल्यू इनका है 10 रुपये का, यानी जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो 10 रुपये के ऊपर मिलेगा। अगर 100% मिलता है तो पर शेयर का आप 10 रुपये मान सकते हैं, उस हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।